जय माता दी। और मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज मैं अष्टमी की पूजा करूंगी, अष्टमी पूजूंगी। तो हमारे यहाँ अष्टमी जो पूजी जाती है वो खीर और पूरी से पूजी जाती है, और तो मैं इसीलिए मैंने खीर चढ़ा दी है। तो खीर में थोड़ा दूध कम पड़ गया था तो फिर मैं उसमें दूध ऐड कर रही हूँ। और इसमें चावल वगैरह अच्छे से हो गए थे खीर में, मतलब मैं क्या करती हूँ ना, पहले थोड़ा दूध डाल के चावल को अच्छे से पका लेती हूँ, उसके बाद उसमें फिर से दूध ऐड करके फिर खीर मेरी पूरी तरीके से कड़ती है, फिर उसको मैं बनाती हूँ। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हुए थे जिनमें से मखाने, काजू, काजू नहीं था सॉरी, किशमिश और बादाम था, और काजू था घर में बट मैंने डाला नहीं है, और किशमिश के बिना तो मेरे घर की खीर अधूरी होती है। तो बस मैंने ये ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं, और ये इलायची, एक हरी इलायची मैं उसको थोड़ा सा हल्का सा बारीक कर लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी, और इलायची का फ्लेवर खीर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब तक उधर मेरी खीर बन रही है, कट रही है, तब तक मैं इधर कढ़ाई में घी चढ़ा लूँगी और मैं बनाने जा रही हूँ अठहरी, जो बोलते हैं ना, मतलब 18 पूड़ियाँ बनती हैं देवी के भोग के लिए। तो बस मैं उसकी तैयारी कर लूँगी। आटा मैं लगा के रख लिया था, गूँथ लिया था पहले ही, और बस अब मैं अठहरी बना लूँगी जल्दी से। तो मैं पहले पूड़ी बेल के रख लूँगी और इन्हीं पूड़ी के साथ में मैं गाय की भी पूड़ी बना लूँगी। हमारे यहाँ वैसे तो डेली गाय को भोजन दिया जाता है, सबसे पहले गाय का ही बनता है और फिर भोग बनता है, बट ना अगर आप डेली नहीं दे सकते हो तो मतलब हर तीज त्यौहार में बहुत ज़रूरी है गाय को देना, और बहुत ही अच्छा होता है। तो बस मैं गाय की भी और कान्हा जी का भी भोग साथ में इसी में बना लूँगी। तो बस मैं सब पूड़ियाँ ऐसे ही बेल के रख लूँगी प्लेट में, फिर इकट्ठा सेकूंगी। और ये देखिए खीर काफ़ी हद तक कड़ गई है, बहुत ही अच्छी खीर बनी थी। और आप ये सोच रहे होंगे मैं कब से शक्कर डाल रही हूँ, तो मैं कब से इसलिए डाल रही हूँ, डेली यूज़ में मैं जो ऊपर कंटेनर में शक्कर रखती हूँ वो मतलब हर तरह के हाथों से छुई हुई होती है। तो मैं ये व्रत मतलब भगवान के लिए बना रही हूँ, पूजा का बना रही हूँ, तो मुझे साफ़ चीनी इसमें डालनी है। तो बस पूड़ी मैं बेल चुकी हूँ, तो अब इसको मैं फटाफट तल लूँगी सारी पूड़ियाँ, और उधर मेरी खीर भी कड़ती जा रही है। तो सारी पूड़ी मैंने तल ली हैं, अब मैं दो जगह प्लेट लगाऊंगी। जो 18 पूड़ी बनाई हैं वो माता रानी की प्लेट में लगाऊंगी और दूसरी प्लेट लगाऊंगी अपने लड्डू गोपाल की, और गाय की जो पूड़ी मैंने बनाई थी उसी पे मैंने लोई लगाई है, उसी में मैं खीर का भी भोग रखूंगी, और बस फिर भोग के लिए मेरी थाली तैयार हो जाएंगी। और ज़्यादा विधि विधान मुझे आता नहीं है, तो मैं जिस तरह से कर लेती हूँ बस सच्चे भाव से करती हूँ, सच्चे मन से करती हूँ। और कहा जाता है ना कि आपके भाव सच्चे हैं तो आपका मतलब भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। और मैं आ गई हूँ मंदिर में भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के बाद में मैं ज़मीन पे आसन डालूंगी, क्योंकि बिना आसन के पूजा हवन कुछ भी नहीं किया जाता है। तो मैं आसन डालूंगी, फिर मैं चौक पूरूंगी, और हवन की तैयारी मैं कर चुकी हूँ, और साथ में आकर्षित भी हवन करेंगे। तो चौक में मुझे चौक बनाना मतलब रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है, और किसी दिन रंगोली की अलग से वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बस पूजा सब कुछ करने के बाद ही मैं हवन करती हूँ, सारी पूजा मेरी हो गई है, अब इतनी बाकी थी। उसके पहले मैं अध्याय वगैरह, क्षमा याचना वगैरह सब कर चुकी थी, और बस अब हवन बाकी था। तो बस मैं चौक पूर के और हवन भी करूँगी, और साथ में आकर्षित भी आएंगे। भगवानी 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 भगव
माता दी। और ये प्रसाद मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो मेरे व्यूज देख मेरे वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, तो ये रहा माता रानी का प्रसाद। बोल सचिया ज्योता वाली मेरी माता तेरी सदा ही जय। तो आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और पूजा पाठ मेरी सब कुछ हो चुकी है। और तो मेरी पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है और आज मैंने अष्टमी पूजी हुई है क्योंकि टाइम हो रहा है 11:30 और अभी तक मैंने मतलब चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी पाई है, जा रही हूँ बस। मैंने सोचा लाइए, लाइट ऑन थी तो टाइम हो रहा है 11:30 और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। और आज मैं अपने व्रत नहीं खोलूंगी, आज मैंने अष्टमी पूजी है, मैं अपने व्रत कल ही खोलूंगी। कल 10वीं और 9वीं मतलब मॉर्निंग सुबह तक रहेगी और फिर 10वीं रहेगी, तो कल ही मैं कर लूंगी। अब जब इतने दिन रहे तो एक दिन में कुछ नहीं बन बिगड़ रहा है। और जब व्रत खोलने का टाइम आता है ना तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है व्रत खोलने की, बड़ा वो लगता है कि अरे यार मेरे मतलब व्रत टूटने जा रहे हैं, तो बड़ा खराब लगता है। और मैं ना सब्जी का भोग मैं कल लगाऊंगी, मतलब पूरा खाना जो बनाऊंगी पूरी और सब्जी, और कल फिर से मैं भोग लगाऊंगी। आज तो मैंने अष्टमी पूजी है तो अष्टमी में हमेशा पूरी और खीर से ही पूजी जाती है हमारे यहाँ, तो सबके यहाँ जैसा होता है लोग वैसे ही करते हैं, और मेरे यहाँ जैसा होता है तो मैं वैसे ही करती हूँ। और हवन भी किया है, हवन तो पूरे 9 दिन भर किया हुआ है। और बस अब जा रही हूँ किचन में, थोड़ा सा किचन समेट के पोछ पाछ के फिर अपना मैं मतलब किचन साफ करूं पहले, क्योंकि पूरी वगैरह बनाई हुई थी, खीर वगैरह बनाई हुई थी, तो चौका मेरा वैसा ही पड़ा हुआ है। और फिर मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय और मखाने फ्राई कर लूंगी, यही इजी रहता है, क्योंकि फिर शाम को मैं सेंधा नमक से फलारी ले लेती हूँ अपनी। और आज मैंने आप लोगों के साथ में, कल मैंने ना आप लोगों से कहा था कि मैं इवनिंग में कल जो फलारी बनाऊंगी उसकी रेसिपी आज शेयर करूंगी, तो कल वाली फलारी की रेसिपी मैं आज इसी वीडियो में क्लिप ऐड कर दूंगी, तो आप लोग प्लीज देखिएगा। बहुत ही टेस्टी कचौड़ी थी कुटू के आटे की, बहुत ही टेस्टी थी, और सब्जी तो क्या कहने, देखने में जितनी सिंपल है उतनी ही टेस्टी है। और आप लोग बताइएगा कॉमेंट करके कि आप लोगों ने कब व्रत खोले हैं। और मैं काम सब समेट लूं अपना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और देखिए किचन मेरा वैसा ही मैसी फैला हुआ है, कुछ खास मैसी नहीं है, बट सब सामान रखना है उठा के, और इन लोगों को जो भी खाना है उसकी तैयारी भी करनी है। तो बस अब शुरू करूंगी अपने काम और बस नवरात्र खत्म होने आई है सभी लोगों की, और माता रानी विदा ले लेंगी सबके घरों से। बहुत मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी अच्छी वाली फीलिंग्स थी। और आप देखिए सर, और ये पूड़ी मैंने गाय के लिए बनाई हुई है, अभी दरवाजे पे जाऊंगी, गाय होगी तो गाय को खिला दूंगी। तो इसमें पूड़ी खीर और लोई रखती थी मैंने, और ये भोग वाली खीर है जो माता रानी का भोग मैंने लगाया हुआ था, तो इसको इसी में मिक्स कर दूंगी। इधर मैं अपने लिए चाय बना लूंगी और मूंगफली के दाने और मखाने भी फ्राई कर लूंगी। और उसके बाद मैंने कल इवनिंग में जो अपनी व्रत की फलारी बनाई हुई थी वो आप लोगों के साथ में उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो ये रहा कुट्टू का आटा, तो मैं इसको स्ट्रेनर की हेल्प से छान लूँगी। और जितना मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग आटा लीजिएगा जितना आपको चाहिए है। और इसमें मैं हरी मिर्च काट लूँगी, बहुत सिंपल डिश है और बहुत ही टेस्टी है, मतलब बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनी थी, तो सिंपल तरीके से ही बनाई थी मैंने। और इसमें हरी मिर्च काटने के बाद मैं हरा धनिया भी काट लूँगी, और साथ में इसमें मैं डालूँगी जीरा और
सेंधा नमक, मेरे घर में सेंधा नमक तो हमेशा यूज़ होता है, तो मतलब फिर भी मैं व्रत का सेंधा नमक अलग साफ़ सुथरा रखती हूँ और डेली वाला जो है वो अलग रहता है। तो ये इसमें मैंने ऐड किया है जीरा, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी सेंधा नमक, और तीन तीन उबले हुए आलू मैंने इसमें ऐड किए थे, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जिस तरह से आपको खाना हो, जितना बनाना हो उस अकॉर्डिंग क्वांटिटी देख के। तो बस इसमें आलू गर्म थे थोड़े, तो मैंने उसको हाथ से ही मैश कर लिया था, और अभी जब आटे के साथ में मिक्स करेंगे ना तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। और देखिए बिना पानी के मतलब कितने अच्छे से ये आटा मैंने लगा लिया है बिना पानी के, और मतलब आप धीरे धीरे करके वो करते जाएंगे ना, मैश करते जाएंगे तो पूरा मैश हो जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं लिया है, और आटा आटा जो है मतलब डो हमारा लग के तैयार हो गया है कचौड़ी का, और बस अब इसको मैं ना इसकी छोटी छोटी सी लोई तोड़ूंगी और इसकी कचौड़ी मैं हाथ से ही मतलब हथेली की हेल्प से मैं कचौड़ी प्रेस कर करके लोई पे और इसको पूरी की तरह बढ़िया से फैला लूँगी, और बस फिर इसको मैं अच्छे से तल लूँगी। तो बस इसी तरीके से मैं पहले सारी कचौड़ी इस तरह से बना के रख लूँगी और फिर मैं इनको तलूँगी, और ये नहीं कि एक एक करती जाऊं और फिर निकालती जाऊं, नहीं मैं एक साथ सारी बना के रखूंगी और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो ये देखिए और कचौड़ी तलने का नंबर भी आ गया है। तो ये कढ़ाई है ना, ये मतलब नवरात में ना मैं हर दो दिन के लिए कढ़ाई अपने रखी रहती हूँ, इसीलिए हल्का सा आपको नीचे ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा तो अवॉइड कीजिएगा। और सारी कचौड़ी इसी तरह से मैं तल के निकाल लूँगी, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची कचौड़ी बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। तरीके से मैंने सारी कचौड़ी तल ली है, और अब मैं इसी कढ़ाई में बनाऊंगी सब्जी, और ये सब्जी जितनी सिंपल है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है, और जो एक्स्ट्रा घी है ना उसको मैं एक अलग कटोरी में निकाल लूँगी और जितना मुझे चाहिए उतना मैं ले लूँगी, और इस सब्जी को बनाने के लिए घी बहुत कम चाहिए होता है। तो बस आलू मैंने पहले ही फोड़ के रख लिए थे, मतलब तोड़ लिए थे आलू, और इसमें मैं ऐड करूँगी जीरा, और हरी मिर्च इसमें अभी ऐड नहीं करना है क्योंकि ये सब्जी की खासियत है, हरी मिर्च हमको जब आलू मेरे फ्राई होने लगेंगे तभी ऐड करना है। तो बस जीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल लूँगी आलू, और आलू थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद इसमें डालूँगी हरी मिर्च, क्योंकि इसमें सब्जी में ना इस सब्जी ये आपको सिंपल दिख रही होगी बट ये सब्जी बहुत ही टेस्टी सब्जी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और इसमें अगर आप पहले हरी मिर्च डाल देंगे ना तो सब्जी का स्वाद हरी मिर्च का स्वाद जला जला सा आएगा, और ये सब्जी मेन हरा धनिया और हरी मिर्च में ही मतलब उसी टेस्ट में ही बनती है। तो बस इसमें अब मैं ऐड करूँगी, आलू मेरे फ्राई होने आ गए हैं तो सेंधा नमक डालूँगी, और फिर मैं इसमें हरी मिर्च भी डालूँगी। तो पहले मैं आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च, और मतलब आप अपने हिसाब से खा ले लीजिएगा जितनी आपको चाहिए, मैंने तो कम से कम 3 से 4 हरी मिर्च डाली थी, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी हुई थी, बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है। मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिंपल है, सिंपल नहीं, बहुत ही टेस्टी सब्जी है। तो बस अब इसमें मैं हरी मिर्च ऐड कर दूंगी,
सब्जी अच्छे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, बस इस स्टेज में इसमें डालेंगे हम पानी और रस, आप अपने अकॉर्डिंग मतलब बनाई कीजिए, पानी डालिएगा, मतलब वैसे ही सब्ज़ी ज़्यादा गाढ़ी नहीं अच्छी लगती है, इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ता है। और जब बनेगी ना और उसके बाद जब आप लोग खाओगे ना तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी आप लोगों को। तो बस मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर लूँगी और बस इसमें इसको 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दूँगी और फिर इसमें नींबू ऐड करूँगी और हरा धनिया ऐड करूँगी। नींबू आप अपने मतलब जैसा, अगर आप खट्टा खाते हो तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं खाते तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा, बट हरा धनिया और हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा, वो भी इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बनाया है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सब्ज़ी मैंने अपनी बुआ से सीखी है और मेरी बुआ जब भी आती है ना तो हम लोग उनसे ये सब्जी ज़रूर बनवाते हैं और बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है। बस सब्जी बन गई, अब इसमें ऐड कर दिया है मैंने हरा धनिया और बस थोड़ी देर में ही इसमें मैं नींबू भी ऐड कर दूंगी और सब्जी बनके तैयार है। तो वीडियो आप लोगों को आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ये मैं जूम करके आप लोगों को सब्जी का मतलब सब्जी दिखा रही थी कि देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे वीडियो वॉच करते हैं तो, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूले। और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। और खाना भी बन गया है मेरा व्रत का, फलारी मेरी तैयार है और ये देखिए प्लेट लग चुकी है। और बस वीडियो भी यहीं से एंड करूँगी और ये देखिए चटनी भी मैंने बनाई हुई थी। तो ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, और अपना ख्याल रखिएगा।